एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज एक बड़ा जबरदस्त मैरिनेशन बना रही हूँ, तो चाहे कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ये मिर्ची है जो हैदराबाद में ये दिसंबर में आ जाती तो जनवरी तक चलती, इसको जो भी पंडो मिर्ची बोलते जो भी बोलते फ्रेश मिर्ची रहती। देखिए ये इसकी चटनी और अचार बना दे अपने पास, मगर मैं एक ऐसा जैसा पेरी पेरी सॉस जो बनाते चिकन के लिए उसमें प्याज डालते, मगर मैं जो बना रही हूँ सॉस या मैरिनेशन समझिए, एक बार अपन बना के फ्रिज में रख लिए तो जब फिश चिकन मटन या वेजीज बनाना है जबरदस्त मैरिनेशन बनता है इसका। हाफ के जी ये इस टाइप की रहती है जो कहीं भी मिल जा रही है आपको, तो मंडियों में हर जगह तरकारियों की दुकानों पे ये ला लो, इसके साफ कर लो, इसको पीसेस कर लो बीच में से ऐसे। उसके बाद इसमें 250 ग्राम छिलावा लहसुन डालना है। कैसा करना है मैं बताती हूँ। इसमें तकरीबन एक कप भर के मैं क्या करी ऑयल डाली, और अब मैं इसमें 250 ग्राम छिलावा लहसुन डालूंगी। आप यकीन नहीं करेंगे इतना मजे का मैरिनेशन बनता है। ये टाइप ऑफ सॉस क्या आप कोई भी चीज में डाल सकते हैं। अब मैं इसे चिकन बनाऊंगी तो वो भी आपको बताऊंगी। अच्छा, तेल में ये तलने का रीजन हाँ ये रहता है कि कभी भी आप ऑयल में बगैर चीज का चेंज करे के फ्राई करें तो कलर तेज होता है। जैसे मैं अब मिर्ची को फ्राई कर रही हूँ या टमाटर लहसुन, तो इसका कलर तेज होता है और इसकी लाइफ भी जरा लंबी होती है। अभी मैं इसको अच्छा फ्राई करके फिर इसमें मैं मिर्ची डालूंगी, फिर टमाटर और पक्की इमली। देखिए अपन इसको अच्छा तकरीबन एक 60% डन करें, कलर चेंज होने नहीं देना, हल्का सा गुलाबी होने देना मगर काला होने नहीं देना। तो असल इसकी महक भी रहती, माजिरत के साथ गला थोड़ा सा खट्टे चीजें खाने से खराब हो गया। तो अब ये स्टेज पे हम डालेंगे मिर्ची, वो ये इसको केयरफुल हैंडल करना, कहीं नो बस पेंगे थोड़ा दूर ठहर के। इसको ऐसा फ्राई करना है कि इसको जलने नहीं देना, खाली जैसे ही हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसका कलर और खूबसूरत निखर जाता लाल रंग, तो इसका कच्चापन चले जाना। लेकिन हमारी ये जो मिर्ची है खूबसूरत हसीन सर्दियों की सौगात, उसको जलने नहीं देना है अपने को। अच्छा बिजली को पीछे कर दो। अच्छा एक 5 मिनट तक फ्राई करेंगे अपन इसको। एक कप भर के 250 ml ऑयल यूज होता है इसमें। देखिए मैं हाथ चलाते हुए तकरीबन एक 5 मिनट इसको अच्छा फ्राई करी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया डालूंगी साबित, 1 टीस्पून भर के जीरा ये डाल दी धनिया, अब मैं डालूंगी जीरा साबित, ये जीरा भी डाल दी। मैं नेचुरली डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। बेस्ट मैरिनेशन बोलिए, बेस्ट चीज बोलिए, बेस्ट सॉस बोलिए, बेस्ट चटनी बोलिए। एक बार बना के कांच के जार में रख लो आप, ये एक फुल बंच भर के करी ली, और ये ज्यादा टिकने वाली चीज नहीं है। सालों आप एक बार बना के एक महीना अगर चला लिए फ्रिज में रख ले तो काफी है वो, क्योंकि ये मिर्ची ऐसी है कि आप इसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं रख सकते ज्यादा। हाँ अगर किसी के पास कोई टिप है इसको सेव करने का तो वो जरूर रखिए, और मेरे साथ भी शेयर करिए कमेंट में ताकि मैं भी यूज करूँ अपने। अब अपन क्या करेंगे, इसमें डालेंगे टमाटर तकरीबन हाफ के जी, हाफ के जी है 1 kg, ये पूरे तक काट दिए तो ये 1 kg टमाटर है, मगर हाफ के जी भी डाले तो चलता। अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें इतनी सी पक्की इमली, 50 ग्राम्स पक्की इमली। अब इसको मिलाओ जनक थोड़ा सा इसका दांत जो बोलते हैं खांसी होती है। अब हम इसको फ्राई करते रहेंगे तकरीबन जब तक हमारे टमाटर नरम हो जाना। उसके बाद मैं इसमें मोटा नमक, अच्छा मोटा नमक डालूंगी मैं अभी ताकि फ्राइंग टाइम कम लगना और टमाटर जल्दी गल जाना। और एक मुट्ठी डालो, 2 मुट्ठी मोटा नमक मिलाओ, 1 चाय चम्मच भर के काला नमक का पाउडर। काले नमक के बगैर कोई डिप्स चटनी अचारा नहीं बन सकते, ठीक है। काला नमक क्या है, ये जो खटास टमाटर की या चटनी की इमली की आप कुछ इसके वजह से हलक ख़राब नहीं होता काले नमक से, और सीना नहीं भरता, म्यूकस नहीं रहता, जिनको म्यूकस रहता वो भी साफ हो जाता। काला नमक डालना ज़रूरी है। ये डिप का या ये मैरिनेशन चटनी का वीडियो मैं अलग डालूंगी, फिर ये मैरिनेशन लेके मैं जो चिकन बनाऊंगी इसका वीडियो अलग डालूंगी मैं। कंटिन्यूस आप चलाते जा रहे हैं समझे इसको। चलिए टमाटर भी गल गए, मिर्ची भी गल गई, सारे चीजें गल गए, मैं इसको 7 मिनट और पकाई
अब मैं इसको ठंडा करके पीस लूंगी। पेरी पेरी सॉस में क्या रहता है, आप बड़ी लाल शिमला मिर्च लेते और ऐसे लाल मिर्चियां लेते, शिमला मिर्च लाल बहुत महंगी रहती, हर कोई अफोर्ड कर नहीं सॉरी नहीं सकते, इसकी धांस बहुत आ रही। तो ये जब अल्लाह ताला हमारे को हैदराबाद दक्कन में एक से एक शानदार चीज़ें कुदरती दिए, तो हमको और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हम खुद इससे बेहतरीन मैरिनेशन सॉस चटनियाँ वगैरह बना सकते। चलो अब ये फॉर्म पे अपन इसको बंद कर देंगे और पेरी पेरी सॉस में क्या प्याज भी डालते हैं हम या नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि प्याज डालने से ज़्यादा दिन तक अपन इसको सेफ नहीं कर सकते। तेल आ रहा देखे ना, अब मैं बंद कर रही हूँ इसको, बंद करके पीस ले रही हूँ। ये देखिए ठंडा हो गया ना मेरा, ये मेरा फर्स्ट बैच जा रहा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेनेगर, अच्छी क्वालिटी का डाली, अब जैसा मेरे पास माल्ट वेनेगर है वो या अमेरिकन गार्डन का, डालो ये सिरका डालो इसमें थोड़ा, नहीं नहीं अच्छा थोड़ा नहीं ज्यादा डालो, डालो डाल दो पूरा डाल दो डाल दो इसमें, हाँ ठीक है। अब हम इसको अच्छा पीस लेंगे, ये देखिए दुनिया की सबसे जबरदस्त चटनी डिप मैरिनेशन, तीन तीन नामा ले रही हूँ। अब इन केस आपको चटनीज बना के खाना है तो यहाँ पे इसको फुल तेल डाल के बघार लेना, जो बघार के तड़के वाले सामान रहते राई जीरा सब क्या बोलते हैं उसको लहसुन वगैरह डाल के, मैं तो मेरे को तो डिप वो होना है मैरिनेशन, तो मैं कांच के जार में इसको फुल करके फ्रिज में रखूंगी इस पे से ऑयल डाल के। चलो निकाल दो इसमें, देखिए धनिया प्रॉपर पीसे नहीं जाता इसमें, तो इसलिए या तो आपको धनिया अलग से भून के पीस के मिला लो एक टेबल स्पून भर के धनिया का पाउडर, या नहीं तो साबित धनिया मिलाना है तो इसको पीसना। अच्छा ये हो गया बराबर प्रॉपर, पूरा धनिया भी पीसे गया, हाथ को नहीं लगना कोई भी मसाला आपको, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक चटनी। ये जा रहा मेरा सेकेंड बैच, अब फिर मैं इसमें डालूंगी सिरका, सिरके से क्या होता है मैं अपना प्रिजर्वेटिव है समझिए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ये देखिए मेरा जार फुल हो गया, फिर ये भी है, इतनी तेज मिर्ची रहती है, एक चाय का चमचा एक किलो चिकन में डाले तो काफी है, हाफ के जी डालो। अब इसके ऊपर से मैं ऑयल डाली, ऑयल को मैं गरम करके रखी थी ऑयल, और अब सॉरी ऑयल इसलिए डाल रही के इसके ऊपर बूंज नहीं आना और ये सेफ रहना। अब मैं इसको एज इट इज फ्रिज में रख दूंगी, जब भी मैं कुछ चिकन फिश मटन या वेज में डालना है अलग अलग रेसिपी से, एक चाय का चमचा हाफ के जी में, एक टेबल स्पून भर के वन के जी में। डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी, बनाइए, हैदराबाद दक्कन में कोई चीज की कमी नहीं है। अगर आप इनकेस इसको एज ए चटनी यूज कर रहे हैं तो बघार का तड़का लगाइए जबरदस्त, करी लीव्स लहसुन जीरा राई का लगा के क्या करिए इसको एज ए चटनी यूज कर सकते हैं, मगर बहुत तेज बहुत तीखी रहती है, देख समझ के यूज करिए, मगर आखिरी जबरदस्त। तो फिर इंजॉय करिए ये शानदार हैदराबादी मैरिनेशन प्लस चटनी प्लस डिप, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे को आप हाथा उठा के दुआ देंगे इतनी मजे की। अब मैं क्या कर रही हूँ, चिकन बना रही हूँ इसकी यही सॉस से, इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। सो दुआ उनकी दरख्वास्त के साथ, अल्लाह हाफिज़।